सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम लोगों ने एक सीज़न 4 चेंज किया है हार्डकोर सीरीज़ का, और इस सर्वाइवल वीडियो में हम लोग इस वीडियो में लाइक एम करते ओनली 60 लाइक्स। 60 लाइक कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वाला पार्ट भी मस्त आ जाएगा गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब मार दो और जल्दी से जल्दी लाइक दबाओ गाइस। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। तो गाइस मैंने आते यहाँ पर पहले इस घर को देख लो, मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। ये मैंने हार्डकोर सीरीज सीज़न 4 में बनाया था। ये इसका क्लिप थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, मेरा स्टोरेज फुल हो गया इसलिए इसका वीडियो क्लिप नहीं मिल रहा गाइस। ओके तो इसका टूर इतना ही है बस। ओके इसमें पहले रिस्पॉन लगाते हैं, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे ही घूमते रहता हूँ, कोई कुछ भी काम नहीं रहता है इसलिए। तो मैंने डिसाइड किया यहाँ पर, हो यहाँ पर तो एक विलेजर। ओके ट्रेडर स्पॉन हो गया, और यहाँ पर क्या दे रहा है? ओके शुगर कैन, अभी शुगर कैन क्यों चाहिए मुझे, बेकार का ट्रेडिंग ही देता है हमेशा है। तो गाइस यहाँ पर मुझे अभी अभी याद आया, यहाँ पर एक नेदर पोर्टल मिसिंग है। तो पहले ऑब्सीडियन लेते और बनाते एक नेदर पोर्टल। मैंने यहीं पर ही बनाना चाहता हूँ, बट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा छोटा घर है तो इसे अंदर तो नहीं रह सकता, इसे पहले तोड़ते हैं। अबे ये ज़्यादा हार्ड मेटल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा टाइम लेता है वह। और मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कहीं पर तो बनाने के लिए, बट कहाँ पर बनाए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके ये जगह सही है, चलो यहाँ पर बनाते हैं गाइस। और मेरे स्पॉन भी चेकआउट कर लेता हूँ क्योंकि अगले एपिसोड में मज़ा आएगा, इसलिए पहले ही बना लेते हैं नेदर पोर्टल, बाद में एक्सप्लोरिंग के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पहले यहाँ पर एक नेदर पोर्टल बिल्ड कर लेता हूँ। और यार गाइस तो फाइनली गाइस यहाँ पर नेदर पोर्टल तो बन चुका है, और नेदर का स्पॉन तो बाद में चेक करेंगे, पहले जाकर मैंने सो गया गाइस। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और मैं अभी उठ गया। तो यहाँ पर पहले हम अपने काम कर लेते हैं। तो गाइस मैंने डिसाइड किया यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास पोटैटो है, तो एक अलग सा एरिया बनाते हैं फार्म के लिए। और मुझे यहाँ पर अजीब सा स्ट्रक्चर्स मिल गया, वो है एक रुइन पोर्टल, वो भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा मैं चौंक गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा ही चौंक गया। ओके ऐसे कोई नेदर पोर्टल नहीं है यहाँ पर, दो दो स्पॉन हुए हैं, ये क्या माइनक्राफ्ट का मस्त वाला सीन है गाइस। ओके ये देखो दो दो चेस्ट है यहाँ पर, और दो दो गोल्डन ब्लॉक्स भी मिला मुझे। पहले इसे कलेक्ट करता हूँ, अबे प्लेस नहीं हो रहा क्योंकि इसके ऊपर स्लैब लगा है। अबे माइनक्राफ्ट का ग्लिच क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके फाइनली ऊपर चढ़ते हैं, चलो गाइस यहाँ पर एक गोल्डन ब्लॉक है इसे कलेक्ट कर लेते। ओके फाइनली मिल गया। तो यहाँ पर एक और चेस्ट बॉक्स भी चेकआउट करके चलता हूँ गाइस, और इसमें तो मस्त लूट है, गोल्ड है बहुत सारे गोल्ड्स, और एक ऑब्सीडियन है, ज़्यादा ही मस्त लूट मिला मुझे, कुछ भी नहीं है गाइस। और यहाँ पर एक और गोल्डन ब्लॉक भी है, इसे भी ले लेता हूँ। और इस चेस्ट में क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑब्सीडियन मिला, और एक प्रोजेक्शन 4 का पैंट मिला, और कुछ भी नहीं मिला गाइस यहाँ पर, तो एकदम टाइम वेस्ट है इसे देखकर। तो मैंने डिसाइड किया यहाँ पर एक मुझे शुगर केन्स फार्म बनाना है, और एक मस्त वाला तगड़ा सा फार्म बनाना है। फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन है, तो इसलिए मैंने कलेक्ट कर दिया शुगर केन्स, और पोटैटो तो पहले से ही मेरे पास पड़े हैं। तो पास में ही मुझे एक विलेज मिल गया गाइस, बट अभी तो नहीं जाना, बाद में जाकर बोट से लेकर आने विलेजर्स को। तो पहले शुगर केन्स को कलेक्ट कर लेते,
और मुझे तो पास में ही एक मिल गया, एक मस्त वाला विलेज। उस पे से बहुत सारे विलेजर्स को किडनैप करके, टॉर्चर कर करके हम लोग ले लेंगे उनसे बुक्स, एन्चेंटमेंट बुक्स की नहीं। तो मुझे पास में एक विलेज मिल गया। पहले शुगर केन सारे कलेक्ट करके वहाँ पर चलते गए, क्योंकि हमें शुगर केन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो गैस फाइनली मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्टिंग टेबल बनाए और बहुत सारे फेंसेस क्राफ्ट किया, क्योंकि हमें बनाना है तो अभी एक मस्त वाला फूड फॉर्म। तो तुम लोग देखो टाइम लैप्स। तो गाइस फाइनली यहाँ पर फूड फार्म तो रेडी हो गया, बट हमें यहाँ पर थोड़ी सी वुड की कमी पड़े। तो पहले जाकर मैं थोड़ी सी वुड लेकर आता हूँ और थोड़ा सा एरिया को कलेक्ट करता हूँ और बहुत सारे वुड भी कलेक्ट करता हूँ। तो अभी काम था गाइस हमें विलेजर्स को लेना, तो विलेजर्स को लेकर आते। चलो गाइस, और यहाँ पर क्या कर रहा है ये? तो ओके, पहले एक गोल्डन एप्पल बनाए क्योंकि मैं बैकअप में थोड़ा सा यूज़ आएगा, और मेरे पास तो बहुत सारे गोल्ड पड़े रहते हैं। तो पहले यहाँ पर फार्म सारे कंप्लीट कर दिया। तो फाइनली यहाँ पर एक मस्त वाला फार्म भी हो गया गाइस। तो पहले जाकर सोते और सारे आइटम्स को ले लेता हूँ मेरे लिए एक। और यहाँ पर तो क्रीपर भी आ गया। ओ, एक और क्रीपर आ गया गाइस, मेरे साथ स्कैम हो गया। दो दो क्रीपर फट गए मेरे ऊपर। ओ, तो फाइनली यहाँ पर बहुत सारे पोटैटोस प्लांट किया गाइस। फाइनली हम लोगों ने विलेजर्स को तो लेकर ही आ गया, बट इसका ज़्यादा स्पीड लगा दिया, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा स्पीड लगाओ तो थोड़ा सा लैग होता है। तो फाइनली यहाँ पर विलेजर्स को तो दोनों विलेजर्स को खींच खींच के लेकर आ गया। इनसे लेकर आना है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया गाइस। तो पहले इनके लिए एक बंकर बनाते और इनसे ट्रेडिंग कर करके बहुत सारे एन्चेंटमेंट बुक्स चाहिए। तो पहले यहाँ पर एक मस्त वाला बनाते एक बंकर। तो गाइस फाइनली यहाँ पर बंकर भी रेडी हो गया और मैं यहाँ पर चल पड़ा थोड़ी सी लैक्टेन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें वही अभी चाहिए। तो फाइनली इन सबको मैंने बेड भी बिछा दिया गाइस, और इन सबको मैंने आज़ाद भी कर दिया। तो इनसे अभी ट्रेडिंग का काम बाकी है बस। और पहले इस बोर्ड को तोड़ते हैं, बाद में इनसे ट्रेडिंग। और यहाँ पर एक पिग भी उसके ऊपर था, बट ये पिग क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसे मैंने मार दिया गाइस। पहले यहाँ पर और भी एरिया बना लेता हूँ, क्योंकि अभी इन्हें ब्रीडिंग करवाना है और इनसे एन्चेंटमेंट बुक्स लेना है। तो पहले इनसे ब्रीडिंग करवा लेते हैं। और इस वीडियो को यहाँ पर देखने के लिए थैंक यू गाइस। और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब मार दो गाइस, और लाइक भी कर दो, और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, क्योंकि अब से मैं वीडियो को ही कंटिन्यू करूँगा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आऊँगा गाइस। ओके, तो इस वीडियो में लाइक एम करते हैं 60 लाइक्स, ओनली 60 लाइक्स। ओके गाइस, तो जल्दी से पूरा करवा दो।
और चलो फाइनली यहाँ पर बंकर तो रेडी हो गया। मैंने एक बो लिया और एक गोल। वो क्या है, वो तो आता ही रहता है, छोड़ो इसे। और ये पिक क्या कर रहा है मेरे ऊपर भाई, मेरे ऊपर क्यों सो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर तो बहुत सारे क्रीपर्स हैं, इतने सारे कहाँ से स्पॉन होते हैं। तो मैंने फूड निकाला पहले, और एक और क्रीपर मेरे घर के पास ही स्पॉन हो, मैं तो भाग गया गाइस। और फाइनली कैसे भी करके मैंने इसे मार ही दिया गाइस, फाइनली इसे मार कर मैंने जीत गया। तो नेक्स्ट काम है हमारा शुगर केन प्लांट करना। तो शुगर केन को थोड़ी सी प्लांट करते गाइस, और मैं यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिंग कलेक्ट करता हूँ क्योंकि उनसे बनता है वूल और बेड बनाना चाहता हूँ। तो पहले यहाँ पर शुगर केन्स लेते हैं। और फाइनली सब कुछ रेडी हो गया गाइस, बंकर भी रेडी है इनके पास। तो पहले मैं सोच लेता हूँ इनसे मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग कर लूँगा। किसको पता होगा कोई अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट बुक्स दे देंगे। पहले इनसे मैं थोड़ी सी ब्रीडिंग करवा देता हूँ। और यहाँ पर पिग भी आ रहा है तो मैं यहाँ से चल पड़ा। ऐसे देखना बुरी बात है गाइस। ओके तो फाइनली यहाँ पर एक पिक को मैंने मार ही दिया, ये कब से वहीं पर पड़ा है। ओके यहाँ पर एक छोटा विलेजर भी आ गया फाइनली। तो इसी खुशी में इन सबको मैंने जॉब दिया गाइस, और बहुत सारे लैक्टेंस तो मेरे पास अभी तक नहीं मिला। जाकर लेकर आते हैं पहले लैक्टेंस को, और इनसे बहुत सारे ट्रेडिंग करेंगे। तो पहले जाकर लेकर आते हैं गाइस, और अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक मस्त वाला शुगर केन फार्म, क्योंकि उनसे ही रॉकेट्स और बहुत कुछ ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो पहले लैक्टेंस को कलेक्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारे पास इतने सारे लैक्टेंस थे कि हम लोग आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इन सारे लैक्टेंस तुम मुझे कैसे मिला तुम लोगों को पता नहीं होगा, मुझे बहुत सारे एनिमल्स को मारना पड़ा, बट इस क्लिप में बहुत सारे नहीं मिला गाइस। ओके बहुत सारे काउस को भी मैंने मारा था, बट सारे क्लिप्स डिलीट हो गए। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिंग किया था बट कुछ भी नहीं मिल रहा था गाइस। फाइनली जाकर यहाँ पर फॉर्चून 1 दे रहा है, बट ये भी नहीं चाहिए। फॉर्चून 3 देते हो तो मज़ा आ जाता, बट ये बंदा तो एकदम मत कर रहा है। तो फाइनली गाइस मुझे कुछ तो अच्छा एन्चेंटमेंट दिया इस बंदे ने, वो था एक फेदर फॉलिंग 4। इससे हम लोग कितने भी हाइट से कूद सकते आराम से। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर एमराल्ड्स कलेक्ट किया, और जाकर मैंने उनसे ट्रेडिंग कर लिया गाइस। तो गाइस फाइनली यहाँ पर ये बंदा मुझे फेदर फॉलिंग का बुक दे रहा था, और बहुत सारे ट्रेडिंग करके एमरल्ड्स भी ले लिया, वो भी 26 एमरल्ड में दे रहा है। तो फाइनली मेरे पास आ गया फेदर फॉलिंग 4 एन्चेंटमेंट। तो मैंने बिना सोचे समझे ऐसे ही लगा दिया गाइस मेरे बूट्स पे। तो ये रहा फाइनली मुझे एक अच्छा एन्चेंटमेंट दे रहा था, एकदम खतरनाक एन्चेंटिंग गाइस, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे। तो पहले मैं इसे टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ब्लॉक्स लगा देता हूँ। अभी मुझे टेस्ट करना था फेदर फॉलिंग 4 बुक को। तो पहले टेस्टिंग कर लेते हैं कितने हाइट से मैं कितना डैमेज होता है। ओके 2-8 से जा रहे। ओके फाइनली यहाँ पर बहुत सारे काम तो निपटा गया। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने नेदर में आया, बट कुछ तो अलग स्पॉन दे दिया मुझे। मुझे लग रहा है माइनक्राफ्ट को नशा हो गया, क्योंकि मुझे एक अंडर केव में स्पॉन कर दिया। केव बोलते कुछ भी बोलते, बट मुझे अच्छे से कुछ भी नहीं मिला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।